हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेके, और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, तो इस आपके सामने ही मैं इसको ओपन करूँगी। तो ये मैं अभी इसको ओपन करती हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से मंगवाना चाह रही थी और फाइनली मैंने इसको मंगवा लिया है। एक्चुअली ये मेरे को डिलीवर जल्दी होने वाला था, बट बारिश की वजह से लेट डिलीवर हुआ है। बट इस ओके, देखते हैं कि ये किस तरीके से आया है। सबसे पहले बात करूं तो ये इस तरीके से मेरे को ये प्रोडक्ट मिले हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट का नाम है प्रो सॉफ्ट कॉम्बो ऑफ टू पीसेज वॉशिंग मशीन फ्लोटिंग लेंथ मैश बैग नेट पाउच। तो अब देख लेते हैं ये नेट। ये भी मैंने जो है काफी टाइम से सोच रही थी मंगवाने का। ये नेट क्या है, ये जिनके पास होगी उनको तो पता ही होगा, पहले जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती थी उनमें लगी रहती थी, आजकल नहीं होती है। आजकल वो एक फिल्टर टाइप से कुछ लगा रहता है सेमी ऑटोमेटिक में भी, पहले ऐसी नेट लगी होती थी। तो और इस तरीके से, तो ये जो है, ये जो मटेरियल है, ये स्पंज है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये स्पंज है, ये प्लास्टिक है, ये रिंग जो है ये प्लास्टिक की है, और ये नेट जो है ये नायलॉन की, आप देख सकते हैं। ये भी इसीलिए मंगवाया है कि जो हेयर होते हैं वो काफ़ी जो है वो रहते हैं, तो हेयर हुए या फिर कुछ और, जैसे गलती से कोई पेपर चला गया हो या कोई धागा चला गया हो, तो वो क्या कपड़ों को में फंस जाता है। तो इसके लिए मैंने ये मंगाया है कि जितना भी गंदगी हो या छोटी छोटी ऐसी कपड़ों में से जो रोएं से निकलते हैं, तो वो भी जो होते हैं वो चिपके रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने इसमें फंस जाएंगे। तो ये आए तो एकदम सही कंडीशन में है, कहीं से भी कुछ कटा फटा नहीं है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया था वैसे ही आए हैं, कटे फटे नहीं है, देखने में तो बड़े क्यूट लग रहे हैं। ये इस नेट में जैसे ही कचरा आ जाएगा तो आपको इस तरीके से ये निकालना पड़ेगा। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है क्योंकि मैंने इसका काफी देखा था, तो अब मेरे को ये लग रहा है कि इसको निकालना पता नहीं आसान होएगा या नहीं, बट हाँ, इसका मैंने काफ़ी इस पर अमेजोन पर ही देखा था कि इसमें काफ़ी सारे जो मैश होते हैं कपड़ों पे, जो कुछ भी चिपका होता है वो उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे कपड़ों पे नहीं लगे होते हैं, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। बट ये ओपन नहीं होएगा, तो अब मेरे को टेंशन हो रही कि ये इस तरीके से इसको शायद साइड में करके सारा कचरा निकालना पड़ेगा। बट ठीक है, अगर कपड़ों की जो है गंदगी सारी इसमें रहेगी तो एक तो वॉशिंग मशीन भी आपकी खराब नहीं होगी, और आप और कपड़ों पे जो कुछ भी जमा हो जाता है, चिपक जाता है, वो नहीं चिपकेगा, वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो ये भी मैंने पैक ऑफ टू मिले हैं, एक ब्लू कलर का है, एक पिंक कलर का है, तो देखते हैं। और मैं ज़रूर इनका भी, मैं जो कपड़े लगाऊंगी तो मैं ये बताऊंगी कि ये किस तरीके से काम किया है या नहीं, तो डेफिनेटली मैं वो भी इसमें डेमो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अब इसका डेमो, चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इस नेट के साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास फ्रंट लोड है तो ये जो मैश बैग है ये आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई आप इसको डालोगे तो भी इसमें कुछ भी जो है मैश या जो भी लेंट्स होते हैं वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें, आप खुद डेमो में देख लेंगे कि मैंने फ्रंट लोड में इसको डाला तो एक बार नहीं, मैंने कितनी बार फ्रंट लोड में डाला तो उसमें से कुछ नहीं निकला, बट जब मैंने टॉप लोड में इसको डाला तो वाकई में इसमें छोटे छोटे जितने कपड़ों में होंगे वो जो कपड़ों के अंदर जो डस्ट या ये धागे से या कुछ भी जो रहते हैं वो मैश जो भी रहता है वो निकलेंगे। तो और फ्रंट लोड में मैंने इसको डाला, कुछ नहीं हुआ, और टॉप लोड में वन टाइम ही जब मैंने इसको डाला था, वन टाइम वॉश में, तब भी निकला था, और फिर मैंने जितनी बार भी वॉश किया और जितनी बार भी, जैसे मोस्टली जींस हुई, बेडशीट्स हुई, उसमें जो रोएं से होते हैं वो काफ़ी इस बैग में आए। मैं इसमें आपको डेमो भी दिखा दूंगी। तो अगर आपके पास फ्रंट लोड है तो ये मैश आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप इस पर इन्वेस्ट ना करें, और अगर आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है तो ज़रूर लें, ताकि जींस की या जितने शीट्स की या आपके वुलन के कपड़ों की जो रोएं होते हैं वो इस बैग में इकट्ठे हो जाएंगे और आप इसको सेपरेटली करके डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो टॉप लोड के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फ्रंट लोड वालों के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है।
फ्रेंड्स, इस नेट के साथ ये भी है कि अगर आपको लगे कि ये फट गया है या ये इस तरीके से ओपन हो गया है, क्योंकि खूब सारे कपड़े होते हैं तो उस चक्कर में ये नेट के अपनी जगह से हिल जाती है, तो आप बिल्कुल वरी मत होना, परेशान नहीं होना कि ये तो फट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस इस नेट को इस तरीके से इसके अंदर लगा दें, आप देख सकते हैं ये निकल गया है। इस तरीके से आप वापस इसके ऊपर, आप रिंग के ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं चढ़ा के, और फिर इस तरीके से वापस इसको प्रेस कर दें। तो आपकी नेट अगर निकली भी है, क्योंकि खूब सारे कपड़े होते हैं, हैवी कपड़े होते हैं, जैसे बेडशीट्स हुई या आपके जींस हुए, तो क्या होता है कभी कभी ये निकल जाती है, तो आप इस रिंग को हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे तो आराम से हो जाएगी, और फिर वापस उसको करके ऊपर ये वापस रिंग को इस तरीके से टाइट कर दें। तो ये भी क्या मेरा निकल गया था, तो मुझे लगा रही यार ये तो फट गया, फिर मैंने हल्का सा इसको पुश किया तो ये ऊपर की रिंग हट गई और नीचे की रिंग निकल गई, तो फिर वापस मैंने इसको चढ़ा के और इस तरीके से इसको वापस टाइट कर दिया। अब आप खींचेंगे तब भी नहीं निकलेगा। तो अगर ऐसी भी किसी के तो साथ प्रॉब्लम आ रही है कि वो रिंग निकल गई है और समझ रहे हैं कि ये तो अब ख़राब हो गया है, नेट इस तरीके से निकल गई है, तो आप वापस इसको ठीक कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लूँ, तो अगर ये इस तरीके से निकल जाए तो आप इसको पहना सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।